मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी ना करना, पहले भी कई तूफानों का रुख मोड़ चुका हूं मैं। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर को लौट कर वापस। देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में यह ऐलान तब कर दिया था जब कुछ लोगों ने सियासी साजिश करके उन्हें सीएम पद से हटा दिया था। तभी उन्होंने अपने विरोधियों को यह एहसास करा दिया था कि वे लौट कर आएंगे और जब आएंगे तो समंदर बनकर लौटेंगे। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर वापिस आऊंगा। वो बात 100 आने सच साबित हुई है। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए तो महायुति की सुनामी में बड़े बड़े नेता बह गए। शरद पवार की चाणक्य की धरी रह गई। उद्धव के पिताजी वाली विरासत भी काम ना आई और कांग्रेस तो चारों खाने चित्त हो गई। इस नतीजों ने कुछ नेताओं को वो जख्म दिए हैं जो जिंदगी भर उनके जहन के साथ मन पर भी बने रहेंगे। लेकिन ये यूं ही नहीं हुआ है, अनायास नहीं है न चमत्कार है। बीजेपी और शिवसेना दोनों ही दलों के प्रमुखों ने इसकी कसम खा रखी थी और इसके लिए वो जी जान से जुट गए थे। महायुति 200 के पार आपको चुनावी नतीजों में आज दिख रही होगी, लेकिन इसका ऐलान विधानसभा में खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहीं पहले कर दिया था। उन्होंने वचन दिया था कि वो 200 पार करके दिखाएंगे, नहीं कर पाए तो खेती करने के लिए गांव चले जाएंगे। सोड़ा सगळं, आपण शिवसेना आहे, शिवसैनिक आहोत, जिथे लात मारू तिथून पाणी काढू, तुम्ही काळजी करू नका। 50 मधला एकही माणूस मी पडू देणार नाही। आणि भाजपचे जे लोक आहेत, जे 115, आम्ही दोघं मिळून 200 करणार। हा शब्द आहे या सभागृहामध्ये, आणि ते नाही केलं तर आम्ही गावाला शेती करायला जाईन। तो सुना आपने, शिंदे का यह ऐलान मराठी में था, लेकिन आप समझ सके इसलिए हमने उसका हिंदी ट्रांसलेशन बगल में आपको दिखाया है। सीएम एकनाथ शिंदे का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। विपक्षी दलों के नेताओं को ये वीडियो दिखाकर याद दिलाया जा रहा है कि ईवीएम नहीं, जमीन पर काम करने से, रणनीति बनाने से परिणाम आते हैं। वैसे बीजेपी के फडणवीस और शिवसेना के शिंदे दोनों की ही जिद थी कि विपक्षी नेताओं ने गद्दार का जो ठप्पा उन पर लगाया है उसका जवाब उन्हें इस चुनाव में दिया जाए। ये जो हालात है ये सब तो सुधर जाएंगे, पर जाते जाते कई लोग निगाहों से उतर जाएंगे। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। तकलीफ लोगों को तब हुई जब पीकर भी मैं जी गया। फडणवीस और शिंदे ने अपने जिद और जुनून से अपने वचनों को पूरा करके दिखाया है। विपक्ष का राज्य में सूपड़ा साफ हो गया है। जनता ने बता दिया है कि असली शिवसेना और एनसीपी किसकी है और वे किसके साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।